हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रभात कुमार स्पीकिंग और आज हम बात करने वाले हैं मेगा हर्ट्ज के बारे में। मेगा हर्ट्ज 1,00,000 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति को दर्शाता है। मतलब यदि कोई कह सकते हैं कि एटम किसी परिपथ पर 1 सेकंड में 1,00,000 बार भ्रमण कर सके तो उसकी गति मेगा हर्ट्ज में 1 मेगा हर्ट्ज होगी। माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्लॉक स्पीड से मापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक माइक्रो प्रोसेसर 200 मेगा हर्ट्ज पर कार्य करता है तो वह लगभग 2 अरब चक्र प्रति सेकंड रन करता है। इससे यह भी माना जाता है कि प्रोसेसर कितना शक्तिशाली है। तो यहाँ पर जो मेगा हर्ट्ज है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो 1,00,000 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आखिर मेगा हर्ट्ज क्या है और ये कहाँ पर इसका यूज होता है, किस चीज़ को मापने में इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।